सो दोस्तों फाइनली आज इंडिया मार्केट में मोटोरोला का G72 4G स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है इंडिया मार्केट में। तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन वैसे तो काफ़ी कमाल का है और स्मार्टफोन जो सभी स्पेक्स है वो फ्लिपकार्ट पर टीज कर दिए गए मोटोरोला की तरफ से, और इसकी जो प्राइस है उसके बारे में भी थोड़ा सा हिंट दिया गया था। लेकिन एक्चुअल में किस प्राइस पर स्मार्टफोन आज इंडिया मार्केट में लॉन्च किया जाएगा पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। बट कमाल का होने के साथ ही में यहाँ पर कुछ कमियाँ भी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप ये स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, हो सकता है यहाँ पर ये वीडियो आपका थोड़ा बहुत काम आ जाए। तो की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो रोजाना देखने को मिलती रहती है। एंड अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करें स्मार्टफोन बिल्ड एंड डिजाइन के, तो डिजाइन यहां पर आपको काफी अच्छा जो देखने को मिल जाता है, और यही सेम डिजाइन आपको मोटोरोला के एज 30 फ्यूजन स्मार्टफोन में भी देखने को मिला था। तो कोई भी शक वाली बात नहीं, यहां पर एकदम प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलता है। बट यहां पर कुछ कमियां जो डिजाइन में की गई है मोटोरोला की तरफ से, जैसे कि स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक का फ्रेम एंड प्लास्टिक का है डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो देखने में तो काफी ज्यादा कमाल का है, बट इन हैंड फील आपको इतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि जो बैक ग्लास में मजा आता है वो प्लास्टिक में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। आपके जो स्क्रैचेज है वो काफी इजीली पड़ जाएंगे। साथ ही पीछे की तरफ आपको मोटोरोला की ब्रांडिंग एंड ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। कैमरा सेंसर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो काफी तगड़ा कैमरा यहाँ पर देखा है 108 MP का, जिसमें प्राइमरी आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में जो सेकंड कैमरा होगा वो 8 MP का अल्ट्रा वाइड होगा, एंड यहाँ पर आपको थर्ड कैमरा जो 2 MP का डेप्थ के लिए देखने को मिल जाता है, और आप यहाँ पर मैक्रो शॉट भी स्मार्टफोन से ले पाएंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो यहाँ पर कैमरा में आपको कोई भी दिक्कत जो नहीं आएगी। बात करें स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक की, तो देखिए डिस्प्ले के मामले में यह स्मार्टफोन काफी तगड़ा रहने वाला है मोटोरोला की तरफ से बताया जा रहा है। यहाँ पर स्मार्टफोन आपको 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला पीओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और ये 10 बिलियन कलर डिस्प्ले वाला होने वाला है। 10 बिट का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, HDR10+ का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी कमाल के कलर देखने को मिलेंगे, और गेमिंग में भी यहाँ पर आपको काफ़ी पंची कलर जो वो देखने को मिलने वाले। तो यहाँ पर काफ़ी सही डिस्प्ले रहेगा, साथ ही कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ में आने वाला है। तो डिस्प्ले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप गेमिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं है या फिर और की चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले की स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो बेफिक्र होकर आप स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। साथ ही बात करें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो देखिए यहाँ पर इसके स्मार्टफोन के प्रोसेसर में मुझे सबसे बड़ी कमी लगी, क्यों आएगा आपको पता चल जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का हेलियो G99 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक 4G प्रोसेसर है और 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर आपको देखने को मिल जाता है बेस्ड। अब यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करते हैं मीडियाटेक के G96 वाले प्रोसेसर से, तो यहाँ पर अराउंड आपको 10-15% एक्स्ट्रा पावरफुल ये देखने को मिल जाएगा। बट सबसे बड़ी कमी जो मुझे स्मार्टफोन में लगी है वो है 4G का होना। यहाँ पर स्मार्टफोन 5G के साथ में आना चाहिए था। मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन में या तो कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 690 वाईफाई वाला प्रोसेसर या फिर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 वाला प्रोसेसर होना चाहिए था, तो ये स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में काफ़ी तगड़ा रह सकता था। अदरवाइज 4G के साथ में मैं समझता हूँ इतना अच्छा फ्यूचर प्रूफ ये स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जियो ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया में 5G को अनाउंस कर चुका है, और यहाँ पर धीरे धीरे आपको इस साल के एंड तक सभी जगह पर 5G वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर हम रैम वगैरह की बात करें तो इसका एक ही वेरियंट आएगा। इस स्मार्टफोन के बेस वेरियंट में ही आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी, जो कि 6GB होने वाली है, एंड यहाँ पर आपको 3GB तक की वर्चुअल रैम देखने को मिलेगी और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में स्मार्टफोन आने वाला है। बात करें प्राइसिंग की, तो यहाँ पर मोटोरोला ने टीज किया था यहाँ पर अंडर 20 के यहाँ पर टीज किया था, तो आप पकड़ के चलिए गए 19,999 रुपये स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है। बट मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ओवर रहेगा स्पेक्स को देखने के बाद और बाकी सभी कंपनियों से कंपेयर करने के बाद। मेरे हिसाब से तो स्मार्टफोन की प्राइस 15,999 यानी कि 16,000 रुपये रहनी चाहिए थी। आपके हिसाब से किस प्राइस पर स्मार्टफोन लॉन्च होना चाहिए इंडिया मार्केट में, कमेंट करके जरूर बताना। आपकी क्या राय इसकी प्राइसिंग को लेकर के वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपका क्या ओपिनियन है प्राइस किस प्राइस पर स्मार्टफोन लॉन्च होना चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप स्मार्टफोन का किसी और स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही बात करें हम अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको दोस्तों 1300 nits की पीक ब्राइटनेस डिस्प्ले पर देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी सही रहने वाला है। यहाँ पर बात करें स्टूडियो स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है, 3.5 mm ऑडियो जैक यहाँ पर आपको दिया जाएगा, USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी सही चीज़ें यहाँ पर स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती है। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर जो आपको बैटरी देखने को मिलेगी वो 5000 mAh की होने वाली है, और यहाँ पर आपको 33W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल स्मार्टफोन डिजाइन एंड स्पेक्स काफ़ी तगड़े हैं, बट यहाँ पर दो चीज़ें जो कमजोर स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, पहला स्मार्टफोन का प्लास्टिक का डिजाइन एंड 4G का सपोर्ट होना। यहाँ पर 5G का सपोर्ट 100% होना चाहिए था स्मार्टफोन में, क्योंकि आज के समय में कोई भी बंदा स्मार्टफोन को खरीदता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि फ्यूचर प्रूफ है या नहीं। आपकी क्या राय स्मार्टफोन के बारे में कमेंट करके बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।